हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया नोटिस आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया नोटिस क्या है देखते हैं। चलो, इसमें ये दिनांक 27/1/2023 को रिलीज हुआ था। इसमें दे रखा है सीनियर सेकेंडरी के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 10/2012 क्रमांक 939 दिनांक 10/10/2022 के द्वारा समान पात्रता कॉमन एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनके पश्चात संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1054 दिनांक 11/11/2022 को जारी की गई थी। तद अंतर्गत ही उक्तांकित परीक्षाओं का आयोजन निम्नांकित तालिका में वर्णित कार्यम अनुसार किया जा रहा है। ये सीईटी का एग्ज़ाम है ना, 4, 5 और 6 को 11 को किया जा रहा है। सॉरी, 4 तारीख शनिवार है। शनिवार को 2 पारियाँ होगी। प्रथम पारी 9 पारी से 12 बजे के बीच में और द्वितीय पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। इसी प्रकार 2 शिफ्ट है, 4 तारीख को 2 शिफ्ट है, 5 तारीख को दो दो शिफ्ट है और 11 तारीख को 2 शिफ्ट है। ठीक है, ये 4, 5, 11 को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड हो गए हैं। अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि घर पर नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी दिनांक 27/1/2023 से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov इन से यथाशीघ्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने प्रोविजन ई प्रवेश पत्र वेबसाइट इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के स्टेप, इसको पहले गूगल पर क्लिक करना, फिर एडमिट कार्ड ऑप्शन में जाना और वहाँ पर रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड हो जाएगा। अगला क्या लिख रखा है, अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, उनके द्वारा आवेदन पत्र दर्ज करने, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल व्हाट्सएप नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे क्या दे रखा है, परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह को उसके जहाँ से बहकावे में नहीं आवे। अभ्यर्थी किसी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़ने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही परीक्षा निरस्त होने, आगे आयोजित होने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगाने से आपका करियर समाप्त हो सकता है। रेल, बस की छत, पायदान पर बैठकर खड़े यात्रा न करें। परीक्षा केंद्र या परीक्षार्थी के दौरान अनुशासन बनाए रखें। अपने विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। आगे दे रखा है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय के 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी संबंधी जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करनी है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनजर अभ्यर्थी को हेड सैनिटाइजर, वास, तापमान मापी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे अपेक्षित सहयोग करें। परीक्षा
केंद्र पर अपना ई प्रवेश पत्र और एक मूल फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो इनमें से एक ले जाना। उपस्थिति पत्र पर पकड़ने हेतु 2.5 सेमी और 2.5 सेमी पासपोर्ट साइज, नवीनतम रंगीन फोटो जो भी अपने एडमिट कार्ड पर है वो फोटो ले जाना है साथ, सेम टू सेम वही। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेकर आए। परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर तलाशी के उपरांत आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिक को आप संपूर्ण सहयोग करें। और कुछ भी चीज़ इसके अलावा ले जाने की अनुमति नहीं है, ना घड़ी है, ना कोई पारदर्शी बॉल पॉइंट ले जाना है, ना वो पानी की बोतल ले जा सक किसी प्रकार पानी की बोतल नहीं ले जा सकते। बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं ले जाना। पानी की बोतल, घड़ी बड़ी, सब कुछ अलाउड नहीं है, केवल बॉल पारदर्शी बॉल पॉइंट के अलावा, पेन के अलावा, सॉरी। आगे क्या है, बस ये है, डाउनलोड कर लेना जल्दी से जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, और कुछ इसमें दे नहीं रखा महत्वपूर्ण। और ड्रेस कोड के बारे में देख लेते हैं। ड्रेस कोड शामिल है इसमें से, ड्रेस कोड से ऐसे विशेष योग्यजन जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान सूत्र लेखन के देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्राध्यक्ष को परीक्षा दिवस के 3 दिन पूर्व प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा स्रोत लेखक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाना संभव नहीं है। और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों ने ड्रेस कोड लागू किया गया। कोरोना के लिए मास्क लगाना जरूरी है। ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञप्ति दे रखी है। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा भाई। और ड्रेस कोड में क्या है वो भी देख लो। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लैक, शॉल आदि पहनकर नहीं जाना भाई। टी शर्ट बिना जेब वाली जर्सी, जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो पहन सकते हो। शर्ट में किसी तरह का वेज आदि नहीं लगा हो, ऐसे कपड़े जिससे आपत्ति सामने छुपाए जाने की संभावना, पहन कर नहीं जाना है। महिलाओं को बालों में रबड़, साधारण किस्म की हेयर पिन लगा कर आ सकते हैं। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से लाना भाई। परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर सिर से स्कार्फ हटाकर तलाशी देनी होगी भाई। परीक्षार्थी को पूरा आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, बेज, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। बड़ा शर्ट भी अनुमति नहीं है भाई। परीक्षार्थी को लाग के चूड़ियाँ मूड़ियाँ नहीं पहनी भाई। जेवरात के अन्य किसी अंगूठी, ब्रोसलेट या कुछ नहीं पहनना। और किसी सैंडल पहननी है, मोजे, धूप, किसी प्रकार घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट भी अलाउड नहीं है, हेड बैंग भी अलाउड नहीं है, एयर फिन, ताबीज, केप, हेट, स्कार्फ, स्टोल, मफलर आदि कुछ अलाउड नहीं है भैया। केवल सिंपल बनकर जाना वहाँ। और सिख धर्म वाले अपनी पगड़ी पहन सकते हैं, ये अलाउ है। डिवाइस वाइस कुछ ले जाना नहीं है। ड्रेस कोड आपको बता ही दिया। और 72 घंटे बाद में ध्यान रखना, उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हो आप पेपर के, और जो भी आपत्ति हो 100 रुपये जमा करा करके क्वेश्चन के कर सकते हो, ऑब्जेक्शन वगैरह। और क्या दे रखा है इसमें, बस यही है। थैंक यू, धन्यवाद।